प्रसन्न के लिए पंडित जी की वाणी सुन ले। समय से ध्यान मंत्र चल ही रहे हैं जी, समय सार की गाथाएं चल रही हैं जी जी। और बाबू जी कह लगे भैया बोलना कम करो, बंद करो और सुनना भी बंद करो, चिंतवन भी नहीं चितवन को देखो। अभी ऐसा बात कर रहे हैं। ठीक है बाबू जी, को जय जन बोलो हम सबकी तरफ से जी। पंडित जी का बस वाणी के लगे जरा एक बार सुन ले तो सारा गूंजे ले लगे और अंदर ओम नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। नमः समय साराय या समय सार स्वरूपो हम, नमः समय साराय का अर्थ ही समय सार स्वरूपो हम ऐसा अनुभव करना है। समय सार स्वरूप हाँ, अहम इक्को खल शुद्धो ऋणमो राण दंशन समग्गो अम मठिदो तच्चित्तो सब्बे इधर खयम नमी। बस मैं अहम इक्को अहम इक्को, बस यही ध्यान में रहना है। एक मैं शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, रागादिक नहीं है, ये नास्ती वाचक है। इसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, प्रभुता है, अनंत गुणात्मक अनंत धर्मात्मक एक है। ज्ञानादिक अनंत है, धर्मों का अखंड समूह धर्मी शुद्धात्मा सो मैं हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ, चैतन्य प्राण से जीवित हूँ। अनादि अनंत ही मेरी आयु है, ये शरीर में रहने की आयु अलग है, जो अलग होगा वो तो पहले से ही अलग है और मेरा कुछ अलग होगा नहीं। मैं तो ज्ञानमय ही रहूंगा, ज्ञानमय ही हूँ और ज्ञानमय ही रहूंगा। इसलिए निर्भय स्वरूपो हम, निर्भय निर्भय निर्भय, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मेरा तो फिर भी मैं परिपूर्ण हूँ, ज्ञानमय हूँ, आनंदमय हूँ, प्रभुता हूँ मैं। जिसे हमने पर्याय चिन्हय से मनुष्य मान रखा है, बैरात्मा मान रखा है, उसे ही दिव्य दृष्टि से देखो तो भगवान है। परमात्म प्रकाश टीका के मंगलाचरण में दौलत राम जी ने लिखा, परमात्म ने जो वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताय प्रकाशन के निमित्त बन्नो देव प्रबोध, उन परमेश्वर की वंदना भी अपने परमेश्वर के लक्ष्य के लिए है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलकता है, ऐसे ये जो प्रतिबिंब है अवस्था है वह मेरी ही स्वरूप है। ये परमात्म दशा ही मेरा साध्य है, परमात्म स्वरूप ही मेरा ध्येय है, श्रद्धेय है और ध्येय है, सहज गे है सहज गे। विकल्प करके आगे पीछे करने का कोई अवकाश नहीं, आत्मा में भी कुछ करने का अवकाश नहीं और अखिल विश्व में कुछ करने का अवकाश नहीं, और फिर भी विश्व का परिणमन स्वाधीन सहज रूप से अनादि अनंत हो रहा है। अपना निर्मल परिणमन ही अपने लिए आनंद रूप है, आनंद का वेदन, आनंद का वेदन, आनंद तो है, आनंद के साथ अभिन्न हुआ मैं आनंद का वेदन, मेरी में आनंद है ऐसा नहीं, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इसमें आनंद का वेदन हो गया। मेरा सर्वस्व मेरी में, मैं प्रभुतामय हूँ, ज्ञानमय हूँ, आनंदमय हूँ, सर्व भावांतरों से न्यारा परम पारिणामिक भाव चैतन्य स्वरूप कारण परमात्मा, बस इसी की धुन में देह है तो भिन्न है, देह नहीं है तो भिन्न है, देह के भिन्न होने की बात नहीं है, देह भिन्न होगी, अरे देह तो भिन्न ही है, और मेरा ज्ञानाधिक भाव मेरे से अभिन्न है। सर्व जीवों के प्रति मेरा क्षमा भाव है, सर्व जीव के प्रति मेरा क्षमा भाव माने किसी जीव को लक्ष्य करके अब कोई विकल्प करने का अवकाश नहीं है। सर्व जीव ज्ञान के गे है, अपना ज्ञाता स्वरूप अपना गे तो सकल गे हो गए, और सर्व जीव मुझे क्षमा करे मतलब मुझे लक्ष्य करके भी कोई जीव अब न मोह करो, न राग करो, न द्वेष करो, न क्रोध करो, भाई
चाहे पूर्व के परिणमन हो चाहे वर्तमान के परिणमन हो, सर्व जीव हमें पर्याय दृष्टि से देख करके अब हमसे कोई अपेक्षा भी मत रखो और हमसे राग भी मत करो। इसलिए हम बैरम संगम सर्व भावों का विसर्जन करके सर्व जीवों के क्षमा भाव करके और सर्व जीवों को क्षमा करके अपने में चैतन्य स्वरूप की स्थापना तो है ही, अपने में एक व्रतों की स्थापना, समस्त पापों का त्याग, समस्त कथायों का त्याग और फिर प्रसन्न भाव से धर्मामृत का पान करो। न अधिक सुनना है न अधिक पढ़ना है, माँ चित्त है, माँ जंप है, माँ चिंत है। अब सुन बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, चलना भी नहीं है। अब तो ये सब क्रियाएं अलग हैं और मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा अलग हूँ। बस उस चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप की धुन में ही मग्न हो जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वाह, बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं बेटी साहब। बाबू जी बार बार मुंह हिला रहा है और बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बाबू जी बहुत अच्छा लग रहा है बड़ा पंडित जी साहब की वाणी सुन के। नहीं भैया, वाणी तो भगवान की है। तो क्या हाँ। अभी सब तो कुछ था? सब कुछ के लिए बस अभी कुछ खिलाओ पिलाओ मत ही, सब कुछ मुझे सब त्याग दिया। अरे नहीं, खिलाने का काम ही नहीं, खिलाओ धर्मामृत का पान करो, धर्मामृत का पान करो, धर्मामृत का पान करो। कह रहे और खाने पिलाने की बात, अब बहुत देर खाया पिया, खूब खाया पिया है और वो हमारे में तो पहुंचा नहीं, हमारे में नहीं, ज्ञान स्वभाव में नहीं पहुंचा। सही बात, बस ज्ञान स्वभाव में नहीं पहुंचा। सोना के रंग को सततम स्वयं सत्यजम ज्ञानम सदा बिंदति, निशंक रूप से सदा ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते रहे, चैतन्य प्राण से जीवित है, मेरे में भय के कोई अवकाश नहीं, मैं जो यहाँ हूँ वही वहाँ हूँ, आगे रहूंगा। आज सुबह सुबह आज 4 बजे उठ गए सुबह और माला फेरने लगे सोनागर में, जैसे आ गए हो शुद्ध चित्त रूप को हम मागनंदी आचार्य के ध्यान सूत्र। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमरे में जोर जोर से आवाज आने लगी। हाँ अब तो अजब अजब होना है, अजब अजब गिनती के बिना गिनती के बिना गिनती निरंतर जाप भी जाप चल रहा है। संत निरंतर चिंतत ऐसे आतंक रूप अबाधित ज्ञाने, मुड़े ला रहे हैं बाबा जी, बहुत चिंतन चल रहा है। सोनागिर वगैरह कह रहे हैं भैया मुझे कोई तुम लोग संभालो सब जो है, मुझे अब कुछ विकल्प नहीं। कौन संभाले, परमाणु परमाणु सब संभाल रहे हैं अपने अपने, नमन है, चिंता मत कर बिल्कुल। बच्चू है तो उसके संभालने वाले भी है। वाह वाह वाह। पात्र है तो दाता रहे, दाता रहे तो पात्र है, सब चलता रहेगा। कल होता जगत तो सब चलेगा अपना परिणाम, मैं जग का इन सब का क्या होगा ये चिंता नहीं है। इन सब के बिना हम परिपूर्ण हैं और सब हमारे बिना परिपूर्ण हैं। हमारे बिना वही कार्य रुकेंगे जो हम कर रहे होंगे, और हम कुछ कर नहीं रहे तो हमारे बिना कुछ नहीं रुकेंगे। राजकुमार जी भी बैठे हैं, कह रहे हैं पहली गाथा और 15वीं गाथा आज खूब स्वाध्याय कराया, सुबह रात को भी कराया। बहुत बढ़िया, कह लगे आज जय जय चलाएंगे अपन खूब धुन अच्छी अच्छी गा। तू तू स्थापित निज को सर्व आत्माओं में सिद्धार्थ की स्थापना हो गई। हाँ ये पहली गाथा का खूब मंगलाचरण हो गया। और तू स्थापित निज को मोक्ष पथ में वाली 200-400 मार्ग, बस 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 ये ही बात है, ये ही गाथा में सब गाथाएं अंतर गर्भित है, एक ही गाथा में सब। वाह बहुत बढ़िया, सिद्ध दशा साथ है और सिद्ध स्वरूप ध्येय है। वाह, मैं तो अभी सिद्ध स्वरूप हूँ, जा रसिया सिद्धप्पा, जा रसिया 47वीं गाथा नियम साहब। वाह, जा रसिया सिद्धप्पा भम मल्लिए जीव तारी सावंती। बस बस बस, बहुत बढ़िया। और सोनागिरी चिंता मत करो, सोनागिर हमारा है, सोनागिर आपका है, हमारे हमारा है। मैंने बाबा जी से कहा कि मैंने पंडित जी चिंता नहीं करे, कोई बात की चिंता न करे, तो क्या लगे सब है पहाड़िया है तो वो हमें कोई विकल्प नहीं है ना घर का पांचों का। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है वस्तु में परिणमन स्वयं परिणमन की शक्ति है। वाह वाह, कण कण स्वाधीन है। वाह, इसलिए कोई बात ही नहीं है। तो पंडित जी 6 से 8 जीव मोक्ष जाएंगे, 6 से 8 जीव निवृत्त निकलेंगे, जैसा का तैसा चलता रहेगा। वाह वाह वाह,
और ये सब बाबू जी का बड़ी देन है। ये समझो कार्यक्रम शुरू हो गए, गोष्ठी बन गई, सब कार्यक्रम हो गए, ये सब बाबू जी की भावना का फल है। आपका भी पंडित साहब इतना सानिध्य शुरू से ही बाबू जी को सानिध्य तो ठीक है, लेकिन बिना सोनागिर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही, लेकिन आप करेंगे, आप करेंगे। बाबू जी खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो आप करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं सारा भार हमारे ऊपर है, व्यवहार से चिंता मत करो, आपके जिम्मे निर्विकल्प हो गए बाबू जी, कल बाबू जी कोई विकल्प नहीं। सही बात, बिल्कुल सर। बस पंडित साहब, हाँ देखो पुत्र का और शिष्यों का ये परम उपकार है जी, गुरुजनों को निर्वार कर दें, निश्चिंत कर दें, प्रसन्नता में रखें, परिवर्तन बस हमारा अपना काम है। पंडित साहब कल गुरुदेव जो मास्टर साहब को संबोधन करने जाते थे, पूरी कैसेट सुनी, बहुत भाव से ध्यान से सुनी, पूरे एक एक शब्द गुरुदेव का संबोधित थे उनको मास्टर साहब को। और एक संजय जी ने बनाई है अजमेर में लोहड़िया जी की प्रेरणा से, पूरा समाधि मरण में कौन कौन सी कैसे भावना भाना चाहिए, स्तुतियां भजन, संजय जेवर वालों ने बनाई थी अजमेर, वो भी पूरी सुनाई। और ये संजय बहन के भजन, आपकी स्तुतियां संजय बहन ने बड़े अच्छे गाई है, तो वो भी बाबू जी बहुत आगे बोल बोल के रिपीट करवाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तीनों टाइम स्वाध्याय का ही चल रहा है पंडित साहब, बढ़िया बढ़िया, यही मुख्य चीज है अंदर में। और अमित भैया भी आ जाते हैं तीनों टाइम ही, अभी आ गए तो, और राजकुमार जी बहुत अच्छा है, तो वही सत्संग सानिध्य बनाओ, ये तो सहधर्मी का कर्तव्य है भाई जी, तो सहधर्मी का यही बात चल रही है कि अपन परिणामों की एकीकरण में सहायक हो गए हर तरह से। जी जी बहुत बढ़िया पंडित जी, जी जय जयंत कहना पंडित जी को, हाँ जय जयंत चरण स्पर्श पंडित साहब बंदे पंडित साहब।